स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हैनरी लॉ। अब हैंनरिस लॉ में क्या है देखो हैंनरिस लॉ बोले दिस लॉ स्टेट्स दैट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस मतलब एक गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड्स में जो होगा वो गैस के प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में मतलब ये सॉलिबिलिटी मतलब क्या है सॉलिबिलिटी मतलब है एक लिक्विड्स में लिक्विड्स में जो गैस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलिबल हो सकते हैं उसको सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड्स बोलते हैं मतलब एक सॉलिबिलिटी होता है जो एक सॉल्वेंट में सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो सकते हैं उसको हम सोलिबिलिटी बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब वो एक सेटूरेटेड सोल्यूशन फॉर्म होगा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिल गया एक सेटूरेटेड सोल्यूशन जब फॉर्म होगा सोलिबिलिटी के लिए एज एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं जो एक कप वाटर्स में तीन सामोस शुगर डिजोल्व हो सकता है मैक्सिमम तो दो सामोस हमने डिजोल्व किया तो वो सेटूरेटेड सोल्यूशन नहीं होगा सो मैक्सिमम अमाउंट कितना डिजोल्व हो सकता है तीन सो ये तीन चामोस डिजॉल्व होने से वन कप वाटर्स में उसको हम सेटूरेटेड सोल्यूशंस बोलेंगे अब ये सेचूरेटेड सोल्यूशंस में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब कितना अमाउंट ऑफ शुगर यूज़ किया है तीन चामो उसको हम सोलिबिलिटी बोल सकते हैं उसको हम सोलिबिलिटी बोल सकते हैं अब, है solubility का का अब solubility, ये है सोलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अब सोलिबिलिटी ये सोलिबिलिटी ही क्या है ये गैस के प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेनरी लॉ बोल रहे हैं मतलब अब ये सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड्स को हम एज एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल फ्रैक्शंस में इसको सोलिबिलिटी को एज ए मोल फ्रैक्शंस उसको हम मेजर कर सकते हैं तो सो मोल फ्रैक्शंस मेजर करेंगे तो क्या होगा इसे प्रेसर पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्सए लिखा मतलब पी PA ए है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मतलब गैस का जो प्रेशर होगा और एक्स ए है मोल फ्रैक्शंस ऑफ द गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ये गैस का मोल फ्रैक्शंस है अब ये मोल फ्रैक्शंस और इसका प्रोपोर्शनलिटी हम प्रोपोर्शनलिटी को तहत हटा दिया तो क्या होगा इसके एक कॉन्स्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सटेंट्स को हम इधर के एच लिख रहे हैं के एच मतलब है, है हैंनरीज कॉन्स्टेंस मतलब पी ए इक्वल्स क्या हो गया के एच इंटू एक्स ए ये मैथमेटिकली हेनरीज लॉ को एक्सप्रेस कर रहे हैं अब ये इसमें मोल फ्रैक्शंस क्या है सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड्स तब सोलिबिलिटी ऑफ गैस को एक्सप्रेस करने के लिए ये मोल फ्रक्शन यूज करते हैं अब ये देखो ये डायग्राम ही देखो अब इसमें लिक्विड्स है और ये गैस है अब जितना ही इसके गैस का जो प्रेशर्स होगा गैस का जो अपना खुद प्रेशर जितना ज्यादा होगा इस लिक्विड्स में ये डिजॉल्व ज़्यादा होगा सो so, मतलब क्या हुआ प्रेशर के साथ Solubility ऑफ़ द गैस डायरेक्टली proportional हो रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट को हमने एक एप्लीकेशन सी होता है कोल्ड ड्रिंक्स में यूज कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में जो भी कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है जो सील्थ होते हैं सील्थ करने से क्या होता है प्रेशर्स उसमें हाई प्रेशर्स रहता है इसलिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व करके रहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में वो डिजॉल्व सोलिबुल होकर रहते हैं लिक्विड्स में जो कोल्ड ड्रिंक्स में जब ये हमने सील को ओपन किया तो क्या होता है वो बाबुल्स होकर आउट होते है मतलब क्या है ये बाबुल्स होकर आउट होना निकलना मतलब इसका प्रेशर्स क्या हो गया लो प्रेशर्स लो हो गया तो गैस का सॉलिबिलिटी लो हो गया और इसलिए ये बाबुल्स होकर निकाला है ये एक हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है जो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स टाइट सील होने से उसका प्रेशर्स हाई रहता है गैस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अब जब ये ओपन होगा सिल सेल ओपन होगा तो उससे प्रेशर लो हो जाएगा तो सोलिबिलिटी भी क्या होता है लो होता है इसलिए सोलिबिलिटी लो होने से ये बबल्स आउट होकर निकल आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स का जो हम बॉटल्स जब ओपन करते हैं बबल्स होकर कुछ निकाल के आते हैं यह हैनरी लॉ मतलब हैंनरी लॉ में क्या हो रहा है आप कोई भी गैस लिक्विड्स में सोलिबल करने से सोलिबुल होने के लिए जो किसके पर डिपेंड करेगा गैस का ही प्रेशर के साथ डिपेंड रहेगा मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देश पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यही है हैनरिस लॉ अब ये मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करेंगे तो पी ए इक्वल के एच इंटू एक्स ए यही है हैनरिस लॉ स्टूडेंट्स आप देखो ये हेनरिस लॉ का रेप्रेसेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पी ए इक्वल ये कि इट्स एक्स है इसके लिए ये एक्सप्रेशंस है हंड्रिड स्लॉ का सो इसको हम वाई क्वेल एम एक्स के साथ कंपेयर किया तो वाई क्वेल एम एक्स होगा तो ये क्या होता है ये इसका सी जीरो है मतलब ये ऑरिजिन से पास होगा और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये इसका क्या होगा स्लोप पॉजिटिव है एम वैल्यू सो ये ग्राफ ऊपर उठेगा सो ये ग्राफ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन है ये वाई इक्वल एम एक्स प्लस ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा ये वाई क्वेल एम एक्स ग्राफ है इसलिए ओरिजिन से पास होके ऐसे स्ट्रेट लाइन पास स्ट्रेट लाइन होगा और यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर हैंनरीस लॉ पी एफ हर्सेस एक्से मतलब पार्शियल प्रेशर एंड सोलिबिलिटीज के बेस में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, हैं लॉ के लिए अब ये हैंनरीज कॉन्स्टेंट्स के लिए भी कुछ रिजल्ट्स है जो सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं हेनरीज कॉन्सेंट के ये सॉलिबिलिटी लो होगा तो के एच वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस एट द सेम पार्शियल प्रेशर क्योंकि पी ए इक्वल हमको पता है के एच एक्सी मतलब के एच इक्वल हम लिख सकते हैं के एच इक्वल पी ए बाई मतलब सॉलिबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेटेड है पार्शियल स्प्रेशर्स तो सेम ही है सो दोनों कंडीशन में क्या होगा ये के एच एंड एक्स इन्वर्स से रिलेटेड मतलब सॉलिबिलिटी लो होगा तो के एच इंक्रीज़ होगा यह नेक्स्ट नंबर वन एंड नेक्स्ट नंबर टू क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो के एच वैल्यू भी इंक्रीज होगा क्योंकि सॉलिबिलिटी इन्वर्स से रिलेटेड है टेम्परेचर temp, के साथ मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सॉलिबिलिटी को क्या होगा लो होगा और सोलिबिलिटी लो होगा तो केड्स वैल्यू इंक्रीज़ होगा ये वन से हमको पता है सो so, मतलब क्या हो रहा है इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केट्स वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा ये दोनों हैंनरी स्टलॉग कांस्टेंट्स के लिए रिजल्ट्स है